स्मार्टफोन टैबलेट यूज़ करते हैं ना, तो उसमें तो प्लस तो यूज़ करते ही होंगे, तो उसी के बारे में थोड़ा बात करेंगे कि कैसे हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो वेलकम दोस्तों हमारे चैनल में, आप देख रहे हैं बाबा वाला फैक्ट्री, इट्स समथिंग डिफरेंट। तो हम लोग बॉक्स टेक्नोलॉजी एंड अनबॉक्सिंग के रिगार्डिंग वीडियो लाते रहते हैं, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना, ज़िंदगी बेहतर है लेकिन और बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, और मैं इस वीडियो में पूरा पोल खोलने वाला हूँ कि मोबाइल इंडस्ट्री का जो मोनोपोली है, ठीक है, इसके बारे में। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, जैसे कि आपको पूरा डिटेल आइडिया हो जाए ये जो मोनोपोली के बारे में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जैसे कि उनको भी पूरा अंदाजा हो जाए इसके बारे में, कि मोनोपोली के बारे में, ठीक है। तो शेयर वही चीज़ कीजिए, फालतू का चीज़ शेयर मत कीजिए, ठीक है। शेयर वही चीज़ कीजिए जो शेयर करने में आपका सम्मान बढ़े। तो ये चीज़, ये इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन शेयर करने में आपका सम्मान बढ़ता है, कभी भी कमता नहीं है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास रहते हो, बेल बटन को हिट कर दीजिए, ऐसे ही वीडियो और भी देखने के लिए, कभी भी हमारे वीडियो आपको मिस नहीं होगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करके जाना, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है कि हम आगे और भी अच्छा वीडियो लेके आ सकते हैं, वो भी आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना बिना स्किप किए, जैसे कि आपको इसके बारे में पूरा डिटेल आइडिया आ जाए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा जो मोबाइल का जो स्क्रीन गार्ड, तो मोबाइल का जो स्क्रीन गार्ड हम लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, ठीक है, वो देखिए। क्योंकि इसके बारे में मैं पूरा लाइव एक्सपीरियंस मेरे साथ जो हुआ वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेडमी नोट 11 में कुछ दिन पहले परचेस किया ऑफलाइन जाके, उसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वो आपको ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका मैंने रिव्यू भी दे दिया है, टोटल रिव्यू प्लस कैमरा रिव्यू भी अपलोड कर दिया है, वो भी चाहे तो देख सकते हैं, रेडमी नोट 11, ठीक है। और जो लोग मोबाइल से वॉच कर रहे हैं तो वो लोग इस वीडियो का जो टाइटल है वहाँ पे क्लिक कीजिए, तो नीचे आपको वो जो वीडियो है आई बटन का वो दिखाई देने को मिल जाएगा, ठीक है। वही ई मॉल से मैंने परचेस किया था, वही ई मॉल की एक दूसरे दुकान में मैंने जाके मतलब सर्च किया कि स्क्रीन गार्ड मुझे चाहिए, तो मोबाइल तो खरीद लिया, स्क्रीन गार्ड तो चाहिए, सब कुछ ज़रूरत होता है नहीं तो प्रोटेक्शन के लिए। तो एक स्क्रीन गार्ड लेने के लिए मैंने गया, तो मतलब क्या बताया आप लोगों को, मेरा दिमाग घूम गया उसका दाम सुन के, मतलब मेरा दिमाग घूम गया वो जितना प्राइस बोल रहा है स्क्रीन गार्ड का, ठीक है। तो बात ऐसा है, ये जो बेसिकल स्क्रीन गार्ड है ना, ये बहुत ही सस्ता एक चीप प्रोडक्ट होता है, ठीक है। फिर भी हम लोग उसे कितना ज़्यादा पैसा ऐड लिया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है, तो आपको भी दिल पे झटका लगने वाला है, ठीक है। ये चीज़ देख के कि दिल थाम कर बैठिएगा कि आपको भी ये सुन के थोड़ा सा झटका लगने वाला है, ठीक है, कि इसका प्राइस इतना कम है और हम लोगों से इतना ज़्यादा पैसा लिया जाता है, ठीक है ना। तो बात ऐसा है, तो यहाँ पे जब मैंने गया तो यहाँ पे सीधा मुझे बोला, देखो भाई बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, तो ठीक है थोड़ा सा देख लीजिए डायरेक्ट, कि मैंने शूट किया था तो शूट किया हुआ जो चीज़ थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे जैसा दिख रहा है ना, ये वाला मैट चाहिए, यहाँ पे जो दिख रहा है ऐसा कटिंग चाहिए, नहीं ऐसा कटिंग मैट चाहिए ना, हाँ मैट, मैट मिल जाएगा, कटिंग तो ऐसा वाला इसमें नहीं आएगा ना, यहाँ पे तो थोड़ा राउंड कटिंग आ जाएगा, हाँ कस्टमाइज, हाँ ज़्यादा प्राइस बोल रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में तो ऐसा ही होता है, मैं ये बात में आऊँगा, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्क्रीन गार्ड चीज़ कितना टाइप का होता है, ठीक है। स्क्रीन गार्ड जो मेन स्क्रीन गार्ड होता है ना, स्क्रीन प्रोटेक्टर के बारे में बताना चाहूँगा, कि आप अगर रेडमी शाओमी का मोबाइल अगर यूज़ करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि उसके साथ एक प्लास्टिक करके एक चीज़ दिया होता है, जब ब्रांड न्यू मोबाइल होता है, ठीक है, एक न्यू मोबाइल के साथ ऊपर स्क्रीन के ऊपर एक छोटा मतलब बहुत पतला सा प्लास्टिक करके दिया होता है, और नॉर्मल सा प्रोटेक्शन के लिए वो हो जाता है बेसिक लेवल, ठीक है। पहले तो MI ने थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का दे देता था, लेकिन बाद में वो भी मतलब पूरा घटिया क्वालिटी का देता है, तो वो हो जाता है बेसिक क्वालिटी। उसके ऊपर एक होता है हाइड्रोजेल का जो प्रोटेक्टर है, वो वाला चीज़, ठीक है, हाइड्रोजेल का प्रोटेक्टर, जो कि असल में उससे थोड़ा सा बेटर क्वालिटी होता है, ठीक है। और उसके बाद हो जाता है कि आपका जो ग्लास होता है, ठीक है, जो
टेम्पर्ड ग्लास, ठीक है, जो टेम्पर्ड ग्लास होता है उसके बाद आ जाता है टेम्पर्ड ग्लास, और उसके भी बाद आ जाता है कि सबसे एडवांस होता है कि सिरेमिक, सिरेमिक जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो सबसे एडवांस है अभी के टाइम पे। तो सिरेमिक का एक खास बात ये है कि वो अगर आपकी मोबाइल कभी भी गिर जाता है एक्सीडेंटली, इम्पैक्ट जो होता है इम्पैक्ट को थोड़ा सा शोक लेता है, तो इसीलिए वो बेटर है सिरेमिक, ठीक है। तो अभी चलो यहाँ पे जो चीज़ है, ये आदमी मुझे दिखा रहा था कि हाइड्रोजेल, ठीक है, हाइड्रोजेल का जो चीज़ है चाइनीज़ प्रोडक्ट है मेटूबुल करके, मेटूबुल की साइट में भी जाके आपको मैं दिखाऊंगा कि इसका जो चीज़ है वो, तो देख ये जो मेटूबुल का जो चीज़ है ये मुझे ये मतलब प्राइस बता रहा है 249, ठीक है, मतलब सिर्फ इसके लिए हम लोगों को बोला जाता है कि 249। क्या तो प्राइस ऐसा ज़्यादा मैट लीजिएगा ना? हाँ मैट लीजिए 249 दादा। अच्छा अनब्रेकेबल क्वालिटी भी अच्छा होगा जो लगा हुआ ना आपका ये वाला, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा होगा मैट। 249 हाँ, कितना बता रहा है उतना देना? 249 बहुत ज़्यादा होगा, मतलब उससे कम नहीं है, उससे कम नहीं है, उससे कम में क्वालिटी अच्छा नहीं होगा सर। 249 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है इससे ना, ये सर डिस्काउंट करके दे दीजिएगा। चीज़ भी लेकिन बढ़िया मिलेगा ना आपको, चीज़ एक नंबर मिलेगा, चीज़ के लिए कोई ये नहीं होगा। ये अनब्रेकेबल रहेगा, अनब्रेकेबल रहेगा तो पता है। हाँ क्वालिटी भी जो आप देख रहे हैं ये आपको ऐसा मैट नहीं मिलेगा, ओरिजिनल मैट मिलेगा आपको। इसका प्राइस जैसे बोला गया 249, मुझे लगा 249 ये पतला सा, मतलब इतना पतला सा चीज़ के लिए 249 मुझे देना सही नहीं लगा, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा बोला कि आप देख सकते हैं कि मैंने बोला कि ऐसा ऐसा नहीं है, तो तुरंत उसके साथ थोड़ा सा बहस हुआ, तो आप देख सकते हैं। और मैट में सर ये सब क्वालिटी देखिए, और क्वालिटी सही नहीं है, ये अलग क्वालिटी लगाइए, कुछ डिस्काउंट अपने कर देंगे ऐसा लेकिन नहीं है ऐसा, ये इतना के लिए भाई ये भी तो उतना ही है जो लगा के रखे आप। इसका थिकनेस ज़्यादा है, इसका थिकनेस बहुत ही पतला है, मतलब एक प्लास्टिक जैसा है, आपको वाला चाहिए ना थोड़ा थिकनेस ज़्यादा चाहिए ना। तो मेटूबुल की साइड आप देख लीजिए, ऑनलाइन में जाके आप अगर सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा चीज़ देखने को मिल जाएगा कि ऐसा कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इन लोगों का शीट आता है। ये पूरा ही चाइनीज़ बेस्ड कंपनी है, ठीक है, तो इन लोगों का ही जो मशीन आता है मशीन भी इन लोगों का ही आता है। यहाँ पे जो देख सकते हैं कि ये जो शॉप में कस्टमाइज मशीन लगाया गया है, मतलब आपके पास जो भी मोबाइल टैबलेट वगैरह होगा वो सिर्फ वहाँ पर सेटिंग किया हुआ है पहले से, मतलब प्रोग्रामिंग किया हुआ है सारे मोबाइल का, जितना भी मार्केट में अवेलेबल है सारे मोबाइल का जो डिज़ाइन का प्रोग्रामिंग किया गया है, आपके पास जो भी है उसका वो उसी तरीके से सेटिंग करके कट के आपको दे देगा, ठीक है, उस शीट में से। तो ऐसा ही सिस्टम है, तो वो भी मशीन चाइनीज़ वाला ही है, ठीक है, चाइनीज़ बेस है। तो इसका साइड में जाके आप देख सकते हैं पूरा डिटेल कि ये कहाँ का है, और यहाँ पे मैं 249 बोला गया है इसका प्राइस। और ये जो प्राइस है देखिए, मैंने जब यहाँ इसको ऑनलाइन सर्च किया, ठीक है, ऑनलाइन सर्च करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि देखो कितना कम प्राइस है, ठीक है। मैक्सिमम मुझे ये पता चला कि 120 रुपीज़, ठीक है, पर शीट 120 का पर पीस हो सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, ठीक है, 120 मैक्सिमम, 120 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और यहाँ पे ख़ास बात ये देखिए कि यहाँ पे जो चीज़ वगैरह है आपको दिखाई दे रहा होगा कि 50 रुपीज़, 18 रुपीज़, 25 रुपीज़, 60 रुपीज़, मतलब आप सिर्फ सोचिए, ये देख के मुझे जब मैंने पहली बार देखा था ना ये चीज़, मतलब मेरे दिल पे थोड़ा सा झटका लगा था, और मुझे लगता है आप लोगों को भी लगा होगा, ठीक है, ये देख के कि असल में आपका जो मोबाइल का जो स्क्रीन गार्ड है या स्क्रीन प्रोटेक्टर है उसका असली प्राइस इतना सा ही होता है, और आप लोगों से कितना ज़्यादा चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो बात ऐसा है, आप लोगों को भी सोचिए आप लोग, ठीक है, ये एक्चुअली मैं मैनुफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैनुफैक्चर लोग ऐसे बेचते हैं, यही मतलब ओरिजिनल प्राइस होता है, ठीक है। लेकिन आप सोचिए कि अभी आप सोचिए कि आपका जो मोबाइल की जो स्क्रीन गार्ड है उसका प्राइस कितना है, ठीक है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि उसका प्राइस कितना लिया गया है आपके, मतलब उसका प्राइस आपसे कितना लिया गया है, ठीक है, मतलब ये जो चीज़ है ना, ये पता चीज़ का कोई भी प्राइस का फिक्स नहीं है,
और प्रिंट नहीं होता है हमारे, कोई भी कुछ भी लेता है, ठीक है, कुछ भी ले लेता है। पर्सनली मैं यही यूज़ करता हूँ सिरेमिक प्रोटेक्टर। तो इसका जो ओरिजिनल प्राइस है लगभग, आपको मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ, कि 40 से 50 रुपीज़ तक ही होता है, ठीक है, लेकिन हम लोगों से लिया जाता है मिनिमम 100 रुपीज़, ठीक है। तो आप अगर लोकल दुकान से अगर करोगे तो आपको मिनिमम 100 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। तो मैंने जब लोकल दुकान से लिया था तो 100 रुपीज़, तो अगर यहाँ पे तो ये मॉल है, अगर मॉल हुआ तो वही प्राइस आपको तो बहुत ज़्यादा, मतलब 300 के आसपास जाएगा, ठीक है, वो 300 के आसपास चला जाएगा। और ऑनलाइन तो देख ही सकते हो कि बहुत ही, मतलब प्राइस का हाईवे, मतलब प्राइस का कोई ठीक नहीं है, ठीक है। एक ही प्रोडक्ट कोई सेलर बहुत ज़्यादा प्राइस में सेल कर रहा है और वही एक ही टाइप का प्रोडक्ट कोई बहुत ही कम प्राइस में सेल कर रहा है, तो आप समझ नहीं सकते ऑनलाइन का जो चीज़ है। तो अब सिर्फ चीज़ देखिए कि हम लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो मुझे भी इसके बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं था, ठीक है। ये जो रेडमी नोट 11 मैंने परचेस किया उसके बाद मैंने इसको परचेस करने के लिए गया, तो मुझे लगा ये थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हो गया। तो इससे पहले तो मैंने 100 रुपीज़ का जो लोकल वाला जो आता है उसमें मैं परचेस करके लगाता था, यूज़ करता था, बहुत ही अच्छा चलता था, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। आप लेकिन अभी जो एक, जब इसने बोला कि 249 है, जो दुकानदार शॉपकीपर मुझे बोला कि 249, तब सुन के मुझे थोड़ा सा, मतलब ठीक नहीं लगा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना, मैं थोड़ा सा रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद मुझे समझ में आया कि हाँ भाई कुछ तो डिफरेंट है भाई, हम लोगों को कितना ज़्यादा चूना लगाया जाता है, ठीक है। तो अब और ये जो जानकारी है ना, ये जो आपके सामने मैंने पोल खोल दिया है, ये सुन के अगर आपको अच्छा लगा, कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा चीज़, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आपके दोस्तों के साथ, कि उन लोगों को भी इसका जानकारी दीजिए कि कैसे उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है ये स्क्रीन गार्ड के मामले में, ठीक है। ये मोबाइल इंडस्ट्री में ना स्क्रीन गार्ड बहुत ही, मतलब हाइप क्रिएट किया जाता है कि 6D, 4D, 5D, 11D एक मार्केटिंग हाइव है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग हाइव है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, आपकी ब्रेन वॉश करने के लिए, ठीक है। आप लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है कि 11D, 6D, 5D, 7D, 12D, 13D, मतलब जितना डी लगा दो भाई, मतलब डी के आगे जितना ज़्यादा नंबर लगा दो हम लोगों को लगता है कि उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो जैसे कि तीनों होता है मैंने आपको बता दिया बेसिक सा, एक प्लास्टिक होता है, एक थोड़ा सा हाई क्वालिटी का प्लास्टिक होता है, ठीक है, और एक होता है ये जो सिरेमिक वाला चीज़ जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है, सिरेमिक वाला ये थोड़ा सा बेटर होता है सिरेमिक वाला, प्लास्ट से प्लास्ट टूट जाता है भाई, लेकिन सिरेमिक टूटता नहीं है, वो कभी भी नहीं टूटेगा, अनब्रेकेबल है, ठीक है, सिरेमिक। तो मेरा दिखाने का और ये बताने का जो मेन रीज़न है ये है कि अगर आने वाले टाइम पे अगर आप नया मोबाइल खरीदते हो या कोई स्क्रीन गार्ड खरीदते हो, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि हाँ भाई इसका जो ओरिजिनल प्राइस है ये इतना सा होता है, और जो शॉपकीपर है उसके साथ आप बार्गेनिंग कर सकते हो, ठीक है। आपके दिल में ये ना रहे कि भाई मैं इसके साथ बार्गेनिंग कर रहा हूँ कि इसका प्राइस तो ज़्यादा ही होता है तो और कितना एक कम कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा आपके दिल में कोई भी संकोच नहीं रहेगा अभी से, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल में दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर के पास से सिर्फ इतना सा ही, मैंने तो कुछ 8 रुपीज़ पर पीस भी देखा है, ठीक है, स्क्रीन गार्ड वो भी ग्लास वाला चीज़, ठीक है, ग्लास है 8 रुपीज़ पर पीस, सोच सकते हैं कितना ज़्यादा, मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस है बस, तो सोच सकते हैं आप। तो आने वाले टाइम पे अगर आप खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको आपके मन में ऐसा संकोच नहीं होगा कि ये प्राइस ज़्यादा है, तो आप दिल खोल कर, ठीक है, बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा बताने का मोटिव था। तो बात ऐसा है, और पहले तो क्या होता था, पहले तो हम लोगों को और भी ज़्यादा लूटा जाता था, ठीक है। पहले तो ये पतला पतला सा प्लास्टिक, ठीक है, ये देखिए ये मोबाइल में जो आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, ये जो मोबाइल है रेडमी 3S का, ठीक है, रेडमी 3S में ये जो ऊपर लगाया हुआ ना एक मैट फिल्म है, ठीक है, मैट फिनिश फिल्म, मतलब पहले जो आता था ना ऐसे प्लास्टिक का जो बहुत ही पतला है प्लास्टिक का, ये हाइड्रोजेल से भी लो क्वालिटी का है, ठीक है, ये वाला चीज़। और यही मैंने अमेजोन से उस टाइम पे परचेस किया था, ये वाला चीज़ मेरे से लिया गया था, लगभग सब कुछ मिला के 160 के आसपास, ठीक है। तो सोचिए ये वाला जो चीज़ है, मतलब एक छोटा सा प्लास्टिक, ये मैं 160 रुपीज़ दे के परचेस किया था, जो कि असली में है मैक्सिमम यही 10-15 रुपीज़ पर पीस, 10 मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, 10-15 रुपीज़, ठीक है। तब सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंट है, मतलब डिफरेंस कितना ज़्यादा है, सोचिए। या कोई भी बात आपको बोलना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं बिना कुछ सोचे, ठीक है, बिना कुछ सोचे आप
सिर्फ कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कभी भी कमेंट ऑफ नहीं करता हूँ, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने में आपका सम्मान बढ़ेगा, कभी भी कमेगा नहीं, तो ये शेयर होना चाहिए। तो शेयर करना ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि हम लोगों को कितना ज़्यादा चूना लगाया जाता है मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। तो ये सबको नॉलेज होना चाहिए कि आने वाले टाइम पे अगर आप मोबाइल खरीदने के लिए जाए और उसके बाद जो स्क्रीन गार्ड या प्रोटेक्टर खरीदने के लिए जाए, आपके मन में कभी भी ऐसा ना हो कि मैं ये जो बार्गेनिंग कर रहा हूँ इसको लेकर ये मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। और उन लोगों का तो एक बेसिक सा पॉइंट तो होगा कि उससे कम तो वो देगा नहीं, लेकिन आप आपकी तरफ से भी आप बार्गेनिंग कर सकते हैं कि आप लोगों को भी नॉलेज होना चाहिए कि इससे एक्चुअल प्राइस कितना होता है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको पूरा जानकारी इसमें दिया, तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास रहता है और बेल बटन को हिट कर देना, जैसे कि ऐसे ही वीडियो आपको और भी देखने को मिले और कभी भी हमारा वीडियो मिस ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहना हमारे साथ, बने रहना पावर वाला फैक्ट्री के साथ। तब तक के लिए बाय, ठीक है।